एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा तो दूसरी ओर बाढ़। इन हालातों में लोगों को सुरक्षा देना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे भयानक हालातों में शातिर अपराधी भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे और पुलिस भी अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने में जुट गई है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने दिन दहाड़े हुई 26 लाख रुपए की बड़ी लूटकांड का खुलासा करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पूर्व विधायक के कर्मचारी से अपराधियों ने 26 लाख रुपए की लूट की थी, जिसके बाद सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई। इस टीम में नगर डीएसपी राम नरेश पासवान, अहियापुर प्रभारी थाना अध्यक्ष, दो प्रशिक्षु डीएसपी के साथ विशेष पुलिस शामिल थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सभी अपराधी एक जगह इकट्ठा होकर किसी बड़े कांड की योजना बना रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर चार छात्र अपराधियों को धर दबोचा गया, जिनसे 1,19,000 नगद और अवैध हथियार बरामद किए गए। मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि अपराधियों में चिंटू उर्फ झब्बू का आपराधिक इतिहास रहा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में एक 26 लाख रुपए की लूट का मामला प्रकाश में आया था, जिसको पुलिस ने सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी टाउन, डीएसपी प्रोबेशनर और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले का खुलासा किया है और चार लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया है, जिनके पास से 1,79,000 रुपए, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और हथियार बरामद किया गया है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि ये अपराधी फिर से एक जगह पर इकट्ठा होकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, जिसमें सिटी एसपी की टीम और डीएसपी प्रोबेशनर्स वहां पर पहुंचे। उन लोगों ने इन चार अपराधियों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पिछले वीक में अहियापुर थाना क्षेत्र में हुई 26 लाख रुपए लूट की घटना के बारे में स्वीकार किया है और ये बताया कि इसमें जहां से पैसा चला था, जो एक्स एमएलए थे जिनके घर से पैसा चला था, उन्हीं के एक संबंधी ने इन अपराधियों को जुटाया था और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया था। इस प्रकार पुलिस को एक बड़ी घटना को उजागर करने में सफलता मिली। लाइनर का रोल भी उन्हीं ने निभाया है। उन्हीं के घर के पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने पूरे सभी अपराधियों को एक साथ जुटाया और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया। कौन है संबंध? ये उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनके घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि शातिर अपराधियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा। पुलिस की पूछताछ में लुटेरों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं पकड़े गए अपराधियों से पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।